फ्रेंड्स, आज हम हॉर्स पावर, एचपी और टॉर्क के रिलेशन की स्टडी करेंगे। हम ये जानते हैं कि एचपी हमारा पावर है और टॉर्क जो है वो भी हमारी पावर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। हमारा जो एचपी होता है वो होता है हॉर्स पावर, एचपी होता है हमारा हॉर्स पावर होता है, और जो टॉर्क है टॉर्क भी हमारी पावर ताकत है। टॉर्क भी क्या है? हमारी ताकत है। लेकिन टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? टॉर्क हम लेते हैं न्यूटन मीटर, और हॉर्स पावर लेते हैं एचपी हमारा, वो एचपी में ही होता है। अब बात आती है कि एचपी और टॉर्क में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन निकालने के लिए पहले थोड़ा टॉर्क को समझ लेते हैं। टॉर्क हमारा होता है, जैसे मान लो टॉर्क हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, रोटेशन की अगर टेंडेंसी जो है घुमाने की जो टेंडेंसी है दैट इज टॉर्क। जैसे मान लो ये हमारा कोई बोल्ट, अगर हमें ये हमें खोलना है तो स्पैंडल लगाएंगे, तो स्पैंडल लगा के जब हम इसे खोलना चाहेंगे तो हमें क्या होगा कि ताकत लगानी होगी। तो जब हम इसको मान लो खोलेंगे, तो जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें जो ताकत लगेगी उसको हम टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क क्या है कि मान लो जैसे हमने यहां से घुमा रहे हैं, तो ये हमारा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी आर। जब हम इसको घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने में जो हमें ताकत लगेगी, टाइट करेंगे ऐसे करेंगे, तो ऐसे जब हमारा जब हम इसको टाइट करेंगे या खोलेंगे, तो जब हम इसको टाइट करेंगे या खोलेंगे तो टाइट करने में जो ताकत लगेगी वो टॉर्क है, या खोलने में जो ताकत लगेगी वो टॉर्क है। तो टॉर्क क्या है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है हमारा फोर्स, और ये हमारी क्या है डिस्टेंस। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहां से जो डिस्टेंस है वो और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो टॉर्क है। तो टॉर्क क्या हुआ? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स हमारा न्यूटन इनटू जो डिस्टेंस है वो अगर मीटर में लेते हैं तो टॉर्क हमारा न्यूटन मीटर होता है। अब हमारा जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो अगर हम मान लो इस डिस्टेंस को बड़ा कर दें, अगर मान लो इसको हम बड़ा कर देते हैं यहां तक, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। डिस्टेंस क्या हुई? ये हमारी डिस्टेंस है। पहले डिस्टेंस कौन सी थी? ये थी डिस्टेंस। अब हमारी डिस्टेंस बढ़ गई तो अब हमको टॉर्क जो है ना वो कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताकत कम लगेगी, क्योंकि हमने क्या किया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो हमें ज्यादा टॉर्क, हमें क्या मिला, ज्यादा टॉर्क मिल गया डिस्टेंस बढ़ाने से। डिस्टेंस बढ़ाने से टॉर्क ज्यादा मिला, अल्टीमेटली हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो जितनी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जितनी डिस्टेंस कम करेंगे उतना ही फोर्स कम लगाना। तो अल्टीमेटली जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क क्या हुआ कि जो फोर्स लगा रहे हैं वो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क जो होता है वो एंगुलर फोर्स है, तो एंगुलर फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं। अब टॉर्क और पावर में रिलेशन क्या है? भाई हमें जब घुमाना है तो उसके लिए पावर भी लगेगी। तो टॉर्क और पावर का जो रिलेशन होता है वो होता है एचपी इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम डिवाइडेड बाय
5.25। HP जो होता है टॉर्क और RPM का हम गुणा कर दें और 5.25 से भाग दे दें तो हमारा HP आ जाए। या हम बात करें टॉर्क की तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा HP इंटू 5.25 डिवाइडेड बाई R। अब यहां पे देखो कि टॉर्क अगर हमारे RPM बढ़ेंगे तो टॉर्क घटेगा, अगर RPM रिड्यूस होंगे तो टॉर्क हमारा बढ़ेगा, क्योंकि टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RPM। तो टॉर्क और RPM का रिलेशन है, कम RPM है, आपने देखा होगा, मान लो हम कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल है जब हम उसको चलाते हैं तो शुरुआत में हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो ज्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ता है, लेकिन जब हमारी स्पीड आ जाती है तो उस समय फिर हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, तो अल्टीमेटली जो फोर्स है, फोर्स हमारा कम हुआ तो इट मीन्स हमारा क्या कम हो गया, टॉर्क कम हो गया। तो जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ेगी, जैसे RPM बढ़ती है तो हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, और हमें अगर स्पीड हमारी कम होती है तो स्पीड को हम एक्सीलरेट करने के लिए हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत इन द सेंस कि टॉर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है भाई, मान लो आप पैडल मार रहे हैं जो भी है, तो साइकिल पे पैडल मारते हैं तो वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, बट फोर्स हमारा क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। डिस्टेंस और टॉर्क के केस में है, डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट हो गई, जो भी आपने ले ली एक बार ले ली, अब क्या करोगे आप, फोर्स को ज्यादा या कम, तो ज्यादा फोर्स कम लगता है जब धीरे होता है स्लो में, और उस समय हमें ज्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता होती है एक्सेलरेट करने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारी स्पीड आ जाएगी, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे हमें एक्सेलरेट कराने के लिए कम ताकत की आवश्यकता, तो इसीलिए टॉर्क जो है वो हमारा स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर हमारे ज्यादा स्पीड होगी तो वहां कम टॉर्क की आवश्यकता होती है, और जहां पे हमारी स्पीड कम होगी हमको ज्यादा टॉर्क। साथ ही साथ अगर हम जैसे मान लो हमारा कोई भी HP है, मान लो 3 HP है, तो 3 HP में कितना टॉर्क होगा, तो ये निकालेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू 3.0 × 5.25 डिवाइडेड बाई, अब हमें RPM चाहिए, कितने RPM पे, क्योंकि टॉर्क जो है ना RPM से रिलेटेड। अब मान लो हमारी कोई भी मोटर है, मोटर ही है, तो कितने RPM पे चल रही है अब डिपेंड करता है, मान लो हमारी 1400 RPM की मोटर है, 1400 RPM की, अब ये मोटर हमारी कितने RPM पे चल रही है वो हमारा डिपेंड करेगा कि आप उस समय 1000 RPM पे है या 1400 पे। अगर ये हमारी 1000 RPM पे चल रही है तो हमारा जो टॉर्क होगा, और अगर हमारा RPM कितने 1000 है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं, और यदि हमारा मान लो 3 HP की मोटर है और ये है 15.7, तो ये इसका आ जाएगा 15.7 N। अगर ये हमारा RPM है मान लो 2800 RPM, तो 2800 RPM है, HP 3 है, तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो आएगा 3 × 5.25 डिवाइडेड बाई 3000, ये कितना है 5.2 न्यूटन मीटर। तो ये जो देखो यही 3 HP की मोटर
अगर हमारी 1000 RPM पे चल रही है तो उतना हमें टॉर्क की आवश्यकता हो रही है, 15.5 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा। और यही मोटर 3000 RPM है तो टॉर्क हमारा 5.2 न्यूटन मीटर आता है। तो आरपीएम जितना हमारा बढ़ता जाएगा उतना ही टॉर्क हमारा रिड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स ये मोटरों पे जैसे एचपी लिखा रहता है बट टॉर्क नहीं लिखा रहता, और हमारे टॉर्क जैसे गाड़ियां होती हैं, इंजन्स होते हैं, सभी में टॉर्क की आवश्यकता होती है। कोई रिंच हो गया, कुछ भी है, मतलब रोटरी मोशन में जो ताकत लगती है उसे हम कहते हैं टॉर्क, ठीक है ना। तो इसमें ये टॉर्क और एचपी का मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि एक एचपी में या कितने एचपी में कितना टॉर्क। तो हमारे वैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्सेज चल रहे हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग, जिसमें 5 मेन की पीएलसी है, सीमेंस, मिसुबिशी, ओमरॉन, एलन ब्रेडली, सीमेंस और सर्वो ड्राइव, बीएफडी, स्काडा, एचएमआई, सीएनसी मेंटेनेंस, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, एडवांस ट्रेनिंग, ये सब कोर्सेस हैं। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी सीएनसी प्रोग्रामिंग, बीएमसी प्रोग्रामिंग भी है, सीएनसी प्रोग्रामिंग और बीएमसी प्रोग्रामिंग दोनों की फीस मिला के 4000 रुपये है, जिसमें प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं। डेल के हम ऑटो कैट करते हो तो 1000 रुपये और देना होगा, क्वालिटी करते हो तो 1000 और देना है। तो मिनिमम जो कोर्स है, पैकेज लेना है, 5000 का होगा, मतलब सीएनसी बीएमसी प्रोग्रामिंग के साथ एक दोनों में से कोई एक लेना होगा तो 5000 कॉस्ट का मिनिमम आएगा, ठीक है ना। और पीएलसी का ऑटोमेशन के कोर्स है, इनका भी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, समथिंग 8000 रुपये होगी डिस्काउंट करके, तो उसके लिए विशाल सर से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।